हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को कौशल विकास योजना के तहत स्वरोजगार के साथ जोड़ने का मन बना लिया है। कांगड़ा में इस योजना के तहत हजारों बेरोजगार युवाओं को कांगड़ा के परंपरागत कार्यों का पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उन्हें उस कार्य को करने के लिए भरपूर सहयोग भी दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा जिला प्रशासन ने कांगड़ा में बनाए गए INIFT संस्थान के साथ भी टाई अप कर लिया है। ये वो संस्थान है जो पहले तो बेरोजगारों को परंपरागत कार्यों जैसे बेम्बू मेकिंग, कांगड़ा पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई, बुनाई का कार्य सिखाएगा, फिर उनके लिए बड़ी मार्केट का भी इंतजाम करेगा, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी काम करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं जिसकी हर लिहाज से अपनी कोई प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ना हो। हर जिले में परंपरागत स्वरोजगार संबंधित कई कार्य सदियों से होते चले आए हैं, बावजूद इसके बदलते आधुनिक जमाने के साथ वो परंपरागत कामकाज हाशिए पर सिमटते चले गए। कुछ युवाओं ने शहरी आबोहवा में जाने के चक्कर में अपने पुरखों के परंपरागत कार्यों को पहनना छोड़ दिया, तो कुछ को प्रदेश में हर 5 साल में बदलने वाले निजाम द्वारा इस दिशा में उदासीन रवैया अपनाए रखने के चलते छोड़ना पड़ा। मगर विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने एक बार फिर लाखों लोगों को उनकी हैसियत दिखा दी है। लोग फिर से पुरखों की जमीन और कार्य ढूंढने लगे हैं। ऐसे में जब उन्हें अपने परंपरागत कार्यों का इल्म ही नहीं है, तो इस दिशा में सरकार ने अब की बार कुछ गहराई से सोचने का काम किया और अब ऐसे इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित करने का मन बनाया है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति की माने तो अगले हफ्ते से ये प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और कांगड़ा का जो भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हो वो उसके लिए अपने खंड विकास अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है, वहां से उन्हें समूह बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, एक कौशल विकास के माध्यम से एक स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के RD डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसमें हमारे जो जैसे हमारे कांगड़ा में जो हमारे जो कांगड़ा पेंटिंग है, हमारे यहाँ जैसे फिशरीज़ बहुत अच्छा है, और इसी प्रकार से सिलाई बुनाई का जो काम है और बैम्बू मेकिंग का जो काम है, इस प्रकार के जो कार्य हैं उसको एक ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, और एक ढंग का प्लेटफॉर्म मिले इस वजह से आज एक बैठक रखी गई थी। इसमें हमने मास्टर ट्रेनर्स आइडेंटिफाई किए हैं और NIFT जो कांगड़ा है उनके माध्यम से भी जो हमारे फ्यूजन, ताकि न सिर्फ पारंपरिक तौर पे जो चीज़ें तैयार हो रही हैं बल्कि एक फ्यूजन हो, और फ्यूजन के साथ साथ उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम दे सकें, इसीलिए निफ्ट कांगड़ा के साथ भी हमने इसको टेकअप किया है। और मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के बाद आने वाले वक्त में हमारे ऐसे लोग जो ऐसे कार्यों में इच्छुक होते हैं, और जब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो उनको भी हम ट्रेनिंग देकर उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें, ऐसा एक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। और जिला कांगड़ा में भी हम जोर शोर से लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में 500 से 1000 ऐसे जो लोग हैं जो पारंपरिक चीज़ों में हैं, इस तरह के कार्यों में हैं, उनको बढ़ावा दे सकें और उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे सकें। इसको अभी हम ब्लॉक स्तर पर रख रहे हैं, और ये जो कोर्सेज होंगे, जैसे मान लीजिए कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग हो सकता है कि 6 महीने तक हम ट्रेनिंग दें, बैम्बू मेकिंग है हो सकता है उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग दें, तो NIFT कांगड़ा से रिक्वेस्ट किया गया है, आज मीटिंग में उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, कि इनके कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाए, और इस हफ्ते हम इन कोर्सेज को डिज़ाइन करने के बाद अगले हफ्ते से इनकी हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, और ये ब्लॉक स्तर पर होगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगी कि हम किसी एक जगह पर एकत्रित करके उनको ट्रेनिंग दें उसका भी प्रबंध किया जाएगा। इसमें ऐसा है कि लोग वीडियोज़ को अपने जो ब्लॉक स्तर पर जो वीडियो हैं उनके पास एप्लीकेशंस दें कि इस प्रकार का कोई कार्य है जो सीखना चाहते हैं, और जैसे ही उनकी एप्लीकेशंस आएंगी इन एप्लीकेशंस के हिसाब से हम एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं कि इतने लोगों का हम क्लास 3 महीने के लिए चलाएंगे या 6 महीने के लिए चलाएंगे, उसके अनुरूप हम सरकार को रिपोर्ट देते हैं, और सरकार के माध्यम से जोर शोर से लगे हुए हैं हम लोग, तो सिर्फ रिक्वेस्ट देने मात्र से ही उनका काम बन सकता है।